देश भर में सभी मंदिरों की हम लोग सफाई करें। उस निमित्त अजमेर में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जन ने। हमारे लिए ऐतिहासिक अविस्मरणीय दिन है जब भगवान राम 500 वर्ष के बाद और हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद और 77 वर्ष लगभग टेंट में रहने के बाद अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और यह राम सबके हैं, जन जन के हैं, घटघट के हैं। इस निमित्त देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके सारे अखंड प्रयत्नों से यह दिन हमको देखने को मिला है, उनके आह्वान पर देश भर में सभी मंदिरों की हम लोग सफाई करें। उस निमित्त अजमेर में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जन ने काफ़ी मंदिरों की साफ सफाई की है। मैं भी आज विधानसभा से जब यहाँ पहुँचा हूँ तो आते ही पहला काम मैंने कहा राजराजेश्वर मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ अभी इसका हमने सफाई की है और इसमें कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और भगवान राम हम सबको आशीर्वाद दे ताकि इस समय जिस प्रकार से सारा भारत, सारा राजस्थान और अजमेर राममय हो रहा है और पूरा विश्व के अंदर भी कई देशों में आज इसके कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं और पिछले लगभग 7 दिन से अयोध्या में भी इस तरह के सारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। कल इसकी दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो राम विश्व के, हमारे राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बिल्कुल केंद्र बनता जा रहा है और ये हमारी तीर्थस्थली बनने रही है। तो हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। मेरा इतना ही है कि हम सब लोग मिल करके राम की आस्था तो करें, राम का स्मरण भी करें, उस नाम में जो महत्व है उसको भी पहचानें और अपने जीवन को राम।